इससे पहले हमने बहुत सारे पराठे बनाए हैं, 25 प्लस पराठे मैंने अपलोड किए हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज मैं अपलोड करने जा रही हूँ स्वीट पोटैटो का पराठा। ये स्टफ पराठा नहीं है, आटा गूंद के हम इसे बनाएंगे और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो मेरे साथ बनाइए स्वीट पोटैटो पराठा, इजी एंड यमी। तो स्टार्ट करें। तो टाइम है इंग्रेडिएंट्स का, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। साथ ही ये यमी टेस्टी और क्रिस्पी पराठा बनाने के लिए आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे। यहाँ पे मैंने 4 मध्यम साइज के शकरकंद लिए हैं, यानी कि स्वीट पोटैटो। सबसे पहले इसे छील लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने इसे छील लिया, इसके छिलके निकाल दिए हैं। अब इसके बाद हम इसे सबसे पहले बॉईल करेंगे, यानी कि उबालेंगे। तो यहाँ छोटा सा कुकर लिया मैंने और इसमें मैंने 3 सीटी लगा के इसे उबाल लिया है। और उबालने के बाद इसका पानी हम अलग कर देंगे। और जो उबाले हुए शकरकंद हैं वो एक बर्तन में ले लीजिए और पोटैटो मैशर से इसे अच्छी तरह से मैश कर देंगे। उसके बाद एक बड़ी कटोरी हम लेंगे गेहूं का आटा। अब हम डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन, उसी के साथ 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच लेंगे लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च ले लीजिए जैसा भी आप तीखा पसंद करते हैं, जितना हो सके बारीक काट लें। उसी के साथ 1 चम्मच लेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। साथ ही हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच लेंगे कसूरी मेथी या फिर हरा धनिया बारीक कटा, आधा चम्मच डाल दीजिए हल्दी पाउडर, उसी के साथ डालेंगे 2 पिंच काला नमक, आधा चम्मच लेंगे ड्राई मैंगो पाउडर यानी आमचूर, 1 चुटकी लेंगे हींग। और सबसे पहले इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे आटा लगाने से पहले। तो मैंने सब मिला लिया है। अब मिलाने के बाद मैं इसका आटा लगा रही हूँ। तो ये आटा बनके बिल्कुल तैयार है, ज़्यादा सॉफ्ट ना लगाएं और ना ही ज़्यादा हार्ड लगाएं। तो आटा लगाने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए इसे ढक के हम रख देंगे। तो 10 से 15 मिनट के बाद ये आटा बहुत ही अच्छा हो गया, ये देखिए। अब हम इसके पराठे बेलेंगे। यहाँ पे मैं पराठे छोटे साइज़ के बना रही हूँ। तो मैंने लोई यहाँ पे नींबू के साइज़ की छोटी सी लोई ली है, यानी आटा लिया है। सूखा आटा लगाते हुए इसे हम बेल लेंगे। बीच बीच में सूखा आटा आप लगाते रहिए ज़रूरत के अनुसार, इससे बेलने में आपको आसानी होगी। तो चलिए, यहाँ पे मैंने छोटे साइज़ का पराठा बेल लिया है। इसे बेलने में कोई दिक्कत नहीं होती है, देखिए कितनी आसानी से ये बिल रहे हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे एक पराठा मैंने आपको बेल के दिखा दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने तवा गरम करने के लिए रख दिया था, तवा गरम हो चुका है, गैस का फ्लेम मीडियम रखा है मैंने। अगर आप कुकिंग करते हैं तो फुल आंच पे भी आप इसे पका सकते हैं, और अगर आप कुकिंग सीख रहे हैं तो गैस का फ्लेम कम ही रखिए या फिर मीडियम रख सकते हैं। तो पलटते हुए पराठा हम सेकेंगे, साथ ही हम इसमें तेल लगाएंगे दोनों साइड, या फिर आप घी लगा सकते हैं, बटर चाहें तो बटर लगा दीजिए। पलटते रहिए थोड़ी थोड़ी देर में, वरना ये जल जाएगा। पराठे जो होते हैं बहुत ही जल्दी जल जाते हैं। तो गोल्डन ब्राउन अच्छा सा कलर आने तक इसे अच्छी तरह से पलटते हुए हम पका लेंगे। बहुत ही अच्छा कलर आया है और ये थोड़े से क्रिस्पी बने हैं, तो ये खाने में और भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक पराठा बनके तैयार है, मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है। इसी तरह से मैंने बाकी के पराठे यहाँ पे सेक लिए हैं। ये देखिए बाकी के सारे पराठे भी मैं इसी प्लेट में निकाल लेती हूँ। यहाँ पे मैंने पराठों को दही के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो चटनी, अचार या सिंपली टोमेटो केचप, या फिर जैसे आप चाहें वैसे इसे सर्व कर सकते हैं। ये अच्छे लगते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें।